नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरा YouTube चैनल जी के वार्ट में। तो दोस्तों, आज का जो पेंटिंग है एक बहुत ही सिंपल सा पोमेग्रेनेट का पेंटिंग है। तो जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हो कि पीछे एक पोमेग्रेनेट है और सामने कुछ सीड्स है। तो सीड्स में और पोमेग्रेनेट में जहाँ पर मैंने हाईलाइट का एरिया छोड़ा है वहाँ पर मैं सबसे पहले वाइट कलर का अप्लाई कर रहा हूँ और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ हल्के हाथों से मैं कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ऑयल पेस्टल पेंटिंग पसंद है और आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, वाइट कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूं सीड्स में। तो दोस्तों, उसके बाद मैं जो कलर अभी ले रहा हूं वो है डीप येलो। और पोमेग्रेनेट में मैं सबसे पहले डीप येलो कलर का अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, मैं बहुत ही हल्के हाथों से लाइट प्रेशर के साथ कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूं। और कलर अप्लाई दोस्तों मैं कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से मैं पूरा जो पोमेग्रेनेट है उस पर मैं डीप येलो कलर का अप्लाई कर दूंगा। और थोड़ा सा मैंने लिया है पिंक। तो दोस्तों, आप हमेशा जब पेंटिंग करो तो आप ऑयल पेस्टल से कलर करते समय लाइट टू डार्क की तरफ जाओ। पहले आप लाइट कलर से शुरुआत करो, उसके बाद आप धीरे धीरे डार्क कलर की तरफ जाओ। तो मैं भी वही सेम जो प्रोसेस है उसी का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैं हर वीडियो में जैसे बनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो कलर मैंने लिया है वो है वर्मिलियन ह्यू। तो आप इसके बदले आप ऑरेंज भी ले सकते हो, या फिर आप वर्मिलियन ह्यू के साथ ऑरेंज, आप दोनों का कॉम्बिनेशन से भी कलर को कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, इस तरह से मैं वर्मिलियन ह्यू कलर को अप्लाई कर दूंगा। और आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने अभी भी ब्लेंड नहीं किया है, तो ब्लेंड मैं बाद में करूंगा। और अभी मैं यूज कर रहा हूं प्राइमरी रेड। और प्राइमरी रेड कलर को मैं जो नीचे वाला कलर है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पूरा प्राइमरी रेड कलर को अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों, मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैं कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है और कलर को अच्छे से आपको ब्लेंड करते हुए जाना है। तो दोस्तों, उसके बाद जो सीड्स है उस पर मैं कलर करूंगा। और जो हर सीड के जो बीच का हिस्सा है उसको छोड़ते हुए, मतलब जहां पे हाईलाइट के लिए मैंने व्हाइट कलर का अप्लाई किया था उसको छोड़ते हुए चारों तरफ मैं अप्लाई कर रहा हूँ डीप येलो। तो
हर सीड में अलग अलग तरह से मैं सेम तरीके से ही कलर को अप्लाई करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि हाईलाइट वाला एरिया के चारों तरफ मैं डीप येलो कलर का अप्लाई करते हुए जा रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों जो यहाँ पे जितने भी सीड्स है उस पर मैं सेम तरीके से कलर को अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में आप लाइक करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ। तो बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो दोस्तों उसके बाद मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी रेड, और जहाँ पे मैंने डीप येलो अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं प्राइमरी रेड कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूँ, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम जैसे मैंने येलो कलर को अप्लाई किया था सेम तरीके से ही अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं, आप देख रहे हो कि मैं रेड कलर के ऊपर पहले तो मैंने किया था डीप येलो, उसके बाद मैंने किया प्राइमरी रेड, उसके बाद मैं ब्लेंड कर रहा हूँ कलर को वर्मिलियन ह्यू का यूज़ करके। मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर रहा हूँ कलर को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप फिंगर से ब्लेंड करने जाओगे तो यहाँ पे जो हाईलाइट का एरिया छोड़ा हुआ था जिस पे हमने वाइट का यूज़ किया था उस पे कलर आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा है कलर के ऊपर कलर को प्रेशर के साथ अप्लाई करके ब्लेंड करना। अभी उसके बाद दोस्तों फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी रेड, और सीड्स का जो जॉइंट होता है एक सीड के साथ दूसरा सीड जहाँ पे लगा हुआ है तो उस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्राइमरी रेड, और उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा ब्राउन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ब्राउन कलर को अप्लाई कर रहा हूँ सीड्स के जो बीच बीच का जो जगह है जहाँ पे सीड्स का जॉइंट है वहाँ पे। तो दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो दोस्तों इसी तरह से जो बाकी सीड्स है उस पर भी मैंने यूज़ किया ब्राउन। तो दोस्तों अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा फिंगर का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राउन कलर को अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा एरिया मिल गया है ब्लेंड करने के लिए जो पहले नहीं था। तो जहाँ तक हो सके फिंगर से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। और तरीका बिल्कुल सेम ही है दोस्तों, देख सकते हो। और अभी मैं जो हमारा पोमेग्रेनेट है उस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि लाइट और डार्क जो है अच्छे से उभर के आ सके। और दोस्तों उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्मिलियन ह्यू।
और अभी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स के मदद से। तो दोस्तों अभी मैं कलर करूँगा बैकग्राउंड, और सबसे पहले मैंने लिया है ब्राउन। तो जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि डायरेक्ट ब्लैक का मैं यूज़ कम करता हूँ। मैं पहले कोई कलर का अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक कलर का यूज़ करता हूँ, तो इसमें पेंटिंग में एक गहराई आता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने ले लिया है ब्लैक कलर। और बैकग्राउंड में मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ ब्लैक कलर को पूरे बैकग्राउंड में। और उसके बाद दोस्तों मैं ब्लेंड कर लूँगा फिंगर्स के मदद से। तो ब्लेंडिंग के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लैक कलर। जहाँ पे डार्क एरिया दिखाना है वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, सीड्स में और पोमेग्रेनेट में। और डिटेलिंग के लिए दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। और सीड्स के चारों तरफ जो आप एक बॉर्डर जैसा देख रहे हो, तो उसको भी मैंने किया है HB पेंसिल यूज़ करके, जैसे मैं जो सीड्स है उस पे किया है। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों आप, मैं आज HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैं चारकोल पेंसिल भी यूज़ करता हूँ। तो आपके पास जो है, आपके पास अगर ग्लास मार्किंग पेंसिल है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आपके पास 8B या फिर 10B पेंसिल है, HB पेंसिल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो HB यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी मैंने एक कलर लिया है मरून, तो क्योंकि 25 शेड्स में ये कलर अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो बड़ा वाला बॉक्स है कैमल का, तो उसी में से मैंने ये कलर को लिया है मरून। मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अप्लाई कर देता हूँ सीड्स में, तो और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो आप ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और नीचे जो प्लेट है दोस्तों, मैं अभी उस पर कलर कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है वाइट। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रे। अल्ट्रा मरीन ब्लू। ब्राउन। और थोड़ा सा येलो ऑकर। और फिर से मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ वाइट, और फिंगर्स के मदद से ब्लेंड कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने यूज़ किया थोड़ा सा ब्लैक नीचे डार्क एरिया को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा पेंटिंग, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो
तो दोस्तों मैं फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।